गाइस दिस इज विशाल हियर वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस बहुत टाइम से मैं ऑफ व्हाइट का एक टी शर्ट देख रहा था ऑफ व्हाइट की ऑफिशियल साइट्स पे और इंस्टाग्राम पे भी, तो और सच में मुझे वो टी शर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा वो टी शर्ट बाय करने से अच्छा मैं उसका डीआईवाई करूं। गाइस आज हम ऑफ व्हाइट टी शर्ट का डीआईवाई करने वाले और हमें टी शर्ट कुछ इस तरह से क्रिएट करना है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसमें ऑफ व्हाइट का जो लोगो है टी शर्ट के बैक साइड पे होगा और फ्रंट साइड पे पूरा ब्लैंक होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफ व्हाइट जो ब्रांड है एक स्ट्रीट वेयर ब्रांड है बेसिकली। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारा डीआईवाई स्टार्ट करते हैं। डीआईवाई के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है व्हाइट फैब्रिक कलर जो कि आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है पेंट ब्रश। तीसरा है स्लेट पेंसिल या फिर आप चॉक भी यूज़ कर सकते हो। फोर्थ चीज़ है टेप और लास्ट चीज़ है स्केल, और आपको उसके साथ लगेगा थोड़ा मेजरमेंट स्किल्स। टेंशन मत लो, मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे आपको डीआईवाई करना है, कैसे कैसे आपको टी शर्ट रेडी करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टी शर्ट का डीआईवाई 9 स्टेप में डिवाइडेड है। अगर मैंने जो स्टेप्स आपको बताए वो आपने प्रॉपर फॉलो किया तो आपका ऑफ व्हाइट टी शर्ट रेडी हो जाएगा, और अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और इस डीआईवाई में सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि इस डीआईवाई में मेजरमेंट स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए बढ़ते हैं डीआईवाई की तरफ। तो मैंने ब्लैक प्लेन टी शर्ट ले लिया है और टी शर्ट के बैक साइड पे हमें ऑफ व्हाइट का लोगो क्रिएट करना है। तो स्टेप वन है, हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा, उसका लेंथ होगा 30 सेंटीमीटर और विड्थ होगा 3 इंच। स्टेप टू है, हमें एक स्क्वायर क्रिएट करना होगा रेक्टेंगल के नीचे 2 इंच की जगह छोड़ के, और उसकी लेंथ और उसकी विड्थ होगी 30 सेंटीमीटर मतलब 30 बाय 30। स्टेप थ्री है, हमें 9 बॉक्स क्रिएट करना है और हर एक बॉक्स की लेंथ और विड्थ होगी 10 सेंटीमीटर की। स्टेप फोर बहुत ही बेसिक है, हमें एक एक्स क्रिएट करना होगा स्केल की मदद से स्क्वायर के अंदर, और अगर आप यहाँ तक सारे स्टेप्स परफेक्टली फॉलो कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो। स्टेप फाइव आपको बहुत ही केयरफुली करना होगा, कॉर्नर के सारे बॉक्सेस में ऑन द 3 सेंटीमीटर आपको मार्क करना है, यानी कि लेंथ से 3 सेंटीमीटर और विड्थ से 3 सेंटीमीटर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। स्टेप सिक्स है, हमने जो 3 सेंटीमीटर पे मार्किंग किया था वो मार्किंग पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और हमने जो एक्स ड्रॉ किया है वहाँ पे वो लाइन टच करनी है और वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टेप सेवन है, हमने जो एक्स ड्रॉ किया था उसके दोनों साइड में हमें और एक एक्स ड्रॉ करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। स्टेप एट है, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हो ग्रे पोर्शन पे आपको टेपिंग करना है और वाइट पोर्शन पे आपको फैब्रिक कलर से कोट करना है, और अभी आपको अंदाज़ा मिल ही गया होगा कि आपका टी शर्ट कैसा दिखेगा। Thank you.
सो नाइन्थ एंड लास्ट स्टेप है कोटिंग रेक्टेंगल पे, और जिस एरिया पे हमने टेपिंग नहीं किया है वो एरिया पे हमें फैब्रिक कलर से पेंट करना है, और दो कोट नेसेसरी है और दोनों कोट के बीच में 15-20 मिनट का गैप रहना ज़रूरी है। और पेंट करने वक्त आपको टी शर्ट के अंदर एक पैड ज़रूर रखना है जिससे वो पेंट टी शर्ट के आगे वाले हिस्से में यानी कि टी शर्ट के फ्रंट साइड में ना लगे। और पेंट होने के बाद 4 to 5 hours तक उसे आपको ड्राई होने के लिए रख देना है, और उसके बाद ही आपको टेप निकालना है। टी शर्ट फाइनली रेडी हो चुका है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि टी शर्ट कैसा दिख रहा है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो टी शर्ट के बैक साइड पे ऑफ वाइट का लोगो है, और फ्रंट साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा ब्लैंक है। DIY हो चुका है, टी शर्ट क्रिएट हो चुका है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि टी शर्ट कैसा दिख रहा है। तो गाइस वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, सो लेट्स गो। वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी DIY वीडियो देखने, तो मैंने एक DIY की प्लेलिस्ट क्रिएट करी थी, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करो ये वीडियो को, शेयर करो, जिससे ऐसे टाइप की टी शर्ट पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।